आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के विषय पर चर्चा करेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं? दो रैखिक समीकरण जो उन्हीं दो चरों x और y में हो, उन्हें दो चरों में रैखिक समीकरणों का एक युग्म या रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। उदाहरण, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल कैसे प्राप्त करें? हमें यह ज्ञात है कि किसी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सीधी रेखा है और उस रेखा का हर एक बिंदु उस दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक हल है। तो रैखिक समीकरण युग्म के आलेख से मिलने वाली दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु उस रैखिक समीकरण युग्म का एक हल होता है। उदाहरण, 2x और y का योग 6, 4x और -2y का योग 4 का आलेख x = 2 और y = 2 पर मिलता है। इसका निष्कर्ष यह है कि x = 2 और y = 2 इस रैखिक समीकरण युग्म का हल है। अनुपात a1 a2 और b1 b2 बराबर नहीं है। ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। बीजगणितीय निरूपण केवल एक अद्वितीय हल। इस तरह के युग्म संगत युग्म होते हैं। अनुपात a1 a2, b1 b2 और c1 c2 बराबर है। ग्राफीय निरूपण संपाती रेखा है। बीजगणितीय निरूपण अपरिमित रूप से अनेक हल। इस तरह के युग्म संगत युग्म होते हैं। अनुपात a1 a2 और b1 b2 बराबर है और अनुपात c1 c2 उनके बराबर नहीं है। ग्राफीय निरूपण समांतर रेखा है। बीजगणितीय निरूपण कोई हल नहीं। इस तरह का युग्म असंगत युग्म होता है। एक रैखिक समीकरण युग्म का हल प्राप्त करने की एक और विधि होती है जिसे बीजगणितीय विधि कहा जाता है। बीजगणितीय विधि के भी तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है प्रतिस्थापन विधि। उदाहरण, चरण एक, हम किसी एक समीकरण को लेते हैं और किसी एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। चरण दो, y का यह मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित कीजिए। चरण तीन, x का यह मान समीकरण तीन में प्रतिस्थापित करने पर हमें y का मान मिलता है। सत्यापन, x और y का मान दोनों समीकरण में संतुष्ट होना चाहिए। बीजगणितीय विधि का दूसरा प्रकार होता है विलोपन विधि। उदाहरण, चरण एक, y के गुणांकों को समान करने के लिए समीकरण एक को तीन से गुणा कीजिए, तब हमें समीकरण तीन प्राप्त होगा। चरण दो, y को विलुप्त करने के लिए समीकरण दो और समीकरण तीन का योग कीजिए। चरण तीन, x का मान समीकरण दो में रखकर y का मान प्राप्त कीजिए। सत्यापन, x और y का मान दोनों समीकरण में संतुष्ट होना चाहिए।
बीजगणितीय विधि का तीसरा प्रकार है वज्रगुणन विधि। इस विधि में x और y को प्राप्त करने का फॉर्मूला होता है। उदाहरण, सत्यापन। x और y का यह मान दोनों समीकरण में संतुष्ट होना चाहिए।